अबे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी हूँ। बंडी क्या कर रहे हैं? बंडी कुछ नहीं। In terms of traveling, this is peace. Indian Railways is best. हाँ लोग ट्रेन लोग गाड़ियों का रॉब दिखाते थे। आयुष ने ट्रेन खरीद ली। आयुष ने ट्रेन खरीद ली भाई। लोग गाड़ियों का रॉब लोग गाड़ियों का ट्रेन ले आया तेरा भाई। तो आप सभी को टनकपुर से नमस्कार। टनकपुर से शारदा माता के पानी में हम लोग इस समय खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर। इधर आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ शारदा माता का ही पानी है। और ये शारदा नदी है जो एक्चुअली मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है, तो वहाँ भी आती है। और यहाँ पर इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग काफ़ी दूर आए हुए हैं इस समय। जैसे देखो वो बाकी सारी पब्लिक ना वहाँ दूर खड़ी है, और हम लोग बहुत दूर निकल के आए हैं ताकि बिल्कुल सुकून वाली जगह है। त्रिपाठी जी कैसा लग रहा है? त्रिपाठी जी के इंसिस्ट करने पर इस ट्रिप पे आए थे, इनका ही पूरा प्लान था। अब मैं बता नहीं सकता, इतना यहाँ पे सुकून है क्योंकि प्रकृति का जो संदर्भ है आप देख सकते हैं कि मतलब इतना सुकून मतलब कहीं नहीं। अगर आप 10-15 मिनट अगर आप समय निकाल करके अगर आप केवल आँख बंद करके और आँख खोलते तो आपको लगता है कि आप जन्नत में, आप हेवन का फील कर सकते हैं इस धरती पर। बस आपको सही पता होना चाहिए कि कहाँ आपको जाना है। सत्य कह रहे हैं बड़े भाई ये चीज़। और ये आप देख सकते हैं आयुष निषाद सर आइए। इनका ये कहना था कि हमको पानी में नहीं उतरना चाहिए, हम खुद पानी में उतरे। भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आके अच्छा लगा, आके अच्छा फील हुआ। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल पीपल टू विजिट सच होली प्लेसेस। इट गिव्स अ सेंस ऑफ प्लेजर एंड मेनी ग्रेट फीलिंग्स टू यू। यस सॉर्ट ऑफ आईसीएसई गाइस, सो वी आर सीबीएसई, तो मैं हिंदी में बोलूंगा। तो जस्ट लुक एट दिस। Just look at this. Too cool watermelon. बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पर पानी में पैर डाल के। वो देख सकते हैं हमारा भाई जो है वहीं बैठ गया थोड़ी देर। इतना बढ़िया लग रहा है इस जगह पर आके कि आई कांट डिस्क्राइब इन दिस वर्ड। हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं त्रिपाठी जी कैमरा पे? ओके हाँ जी त्रिपाठी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सर यहाँ के सुकून को आप समा नहीं सकते अपने दिल में। इतना ज़्यादा सुकून है कि मतलब दुनिया के किसी भी कोने में प्रकृति का सुकून एक अलग ही आनंद देता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पर आके ही आप उसको समझ सकते हैं। उसमें यही बिल्कुल ये प्रकृति का बिल्कुल ये प्राकृतिक है एकदम सर, द नेचुरल ब्यूटी। और मतलब उत्तराखंड ना देवभूमि है, जो जैसा कहते हैं वैसे ही देवभूमि है। मतलब जस्ट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम माई स्टेट, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और आके ना ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गया हूँ यार, मैं कहीं और आ गया। ये मेरा स्टेट से 200 किलोमीटर दूर का तो एरिया ही नहीं हो सकता। तो समथिंग ये पे खेल रहा है साला। इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। अभी तक ना ये मना कर रहा था कि ये आएगा नहीं पानी में, और अभी खेल रहा है।
सो ओके, दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग, छोटा सा था. ओके बाय. पत्थरों पे राम लिख के देखे, तैरे हो क्या यार? तैर जाता है लेकिन कलयुग है यार, अब वानरों जैसे निष्पक्ष तो है नहीं, पाप बहुत किए हैं, अब तो नहीं तैरेगा. फिर कैसा सीन है यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा आप सभी को कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की सड़क आप देख सकते हैं अपने उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी ज़्यादा, उत्तराखंड इस मामले में मायने में काफ़ी अच्छा है. आप देख सकते हैं चारों तरफ इतना क्लीन है. देखिए आप ये देखिए, एक भी डस्ट आप नहीं पाएंगे रोड पर ये, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये उत्तराखंड का छोटा मोटा सा इसको या फिर छोटा मोटा चौराहा मार्केट कह सकते हैं, बहुत बड़ा जगह नहीं, लेकिन क्लीननेस के मामले में नंबर वन है. अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा भाई, मानना पड़ेगा भाई साहब. और शांति भी बहुत है. बिल्कुल शांति बहुत है. रात में 9 लगभग बज रहे हैं, हम लोग आराम से मार्केट में बैठे हैं, बादाम शेक पी रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रीटी गुड प्लेस. एंड यस, ये बंदर भी आया. सो इट इज़ अ प्रीटी गुड प्लेस एंड इट इज़ नाइस एंड क्लीन एक्चुअली, सो रियली गुड टू सी इन उत्तराखंड. गुड मॉर्निंग भाई. क्यों तेरे को ब्लॉग पसंद नहीं है? हाँ भाई अभी नींद आ रही है. रात भर सोया उसके बाद नींद आ रही है इसको. और त्रिपाठी क्या पीना सर? बस उधर जा रही है. जय बजरंगी जय हनुमान. जय बजरंगी जय हनुमान. चलो चलो बस बैठो यार, अरे चलो ना चमन आ रही है, बड़ी क्यों रही है हवा भाई? पांडे देख रहे भाई, बड़ी जबरदस्त हवा चल रही है. फोटो करो निकाल यार. त्रिपाठी जी क्या हाल? अरे बढ़िया बढ़िया. जय माँ पूर्णागिरी. जय माँ पूर्णागिरी. पूर्णागिरी भाई, सुबह 5 बज रहे हैं त्रिपाठी भाई. सुबह 5 बजे एकदम रिवर राफ्टिंग वाली इसी मार्जल गाड़ी में बैठ गए, जो सामने खड़ी दिख रही है. दिख रही है कि ना? दिख रही है. हाँ दिख रही है. इसी मार्जल गाड़ी में बैठ गए और ऐसी रोड पर आए कि विन डीजल फेल हो जाए. भाई हॉलीवुड मूवी वाली रोड थी कि नहीं? यहाँ जानवर रहते हैं, बंदर रहते, सब खा जाए. अबे बंदर नहीं, भालू भी हैं, बच के रहियो. बोल रहा चिक्कल फेंक दिया. ठीक है तो केले की तो खा रहा है, क्या दिक्कत है भाई? ये नेचुरल है, इकोसिस्टम में आता है, इको फ्रेंडली होता है. डोंट नो अबाउट दिस. यस, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. तो भाई साहब देखो, ये पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ की चोटी पे जाना है और साथ में अपने इतना सारा लगेज है. आयुष कुछ कहना है? नहीं भाई, फिलहाल तो इस असमंजस में पड़े हुए हैं. हाँ. कि 6 किलोमीटर पैदल चलना है या कोई व्हीकल मिलेगा? भाई 6 किलोमीटर पैदल है भाई, 6 किलोमीटर. देख भाई चलेंगे इधर से पैदल, उधर से भले आ जाएंगे. हाँ. क्योंकि भाई सुबह सुबह का टाइम है और 6 किलोमीटर पैदल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता. कुछ नहीं रखता, आराम से चल सकते हैं. भाई लोग बोलते ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल होता है, 6 किलोमीटर का ट्रैक है. इन दोनों के पास तो लोड भी नहीं है, मेरे पास बहुत लोड है भाई साहब ने काफी कुछ लोड ले रखा है. एज यू कैन सी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है. वी कांट मेक अ लॉन्गर ब्लॉग. वी कांट मेक अ लॉन्गर ब्लॉग बिकॉज हम बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली चलना पड़ रहा है और एल्टीट्यूड की वजह से लोड बहुत पता चल रहा है, जो है भारी बहुत ज़्यादा लग रहा है. लेकिन दिस इज उत्तराखंड, देखिए आप, दिस इज ऑथेंटिक. ये जो यहाँ के जो नॉर्मल पीपल्स लोग हैं जो रुकते हैं पहाड़ों, उन्होंने छोटे छोटे शॉप्स खोल कर रखे, जैसे कि आपको मिलेगा जगह जगह मंदिर की भक्ति, साधु बाबा लोग बैठे. त्रिपाठी जी एक बात और माननी पड़ेगी, 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ तक या लाइटिंग लगा रखी है, जगह जगह पीने का पानी अवेलेबल है. यहाँ के जो और शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं. बहुत मजेदार ब्लॉग हो रहा है. और त्रिपाठी जी और मैंने सेम सेम शर्ट पहन रखी है, बस कलर डिफरेंस है. कलर डिफरेंस इसमें मत बताइएगा कि मांग के भाई नहीं है.
ठीक है, आगे मिलते हैं फिर। भाटी जी 12 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, नो प्रॉब्लम। और इतने सारे वायर्स लगे, इतनी सारी LEDs लगी है भाई साहब, इतने सारे स्पीकर लगे हैं, इनकी सुविधाओं को भाई सैल्यूट है भाई। अरे तुम सुविधा छोड़ो, तुम पहले ये बताओ ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन बेटा, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है ये। फिजिक्स पढ़ो तुम, लड़के फिजिक्स नहीं पढ़ते। क्यों भाई, कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन। मैं भी सोच रहा था कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना ड्रॉप, कितना। खैर इतनी फिजिक्स नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली, अब यूनिवर्सिटी में जाके UPEM पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ी ना है भाई, तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं यार। वो क्या पता, हम लोग थोड़ा बहुत बस वो घर के इलेक्ट्रिकल हैं, पंखे खोलने वाले और कहीं मम्मी का बर्तन खराब करके बस उसी में इलेक्ट्रिशियन की फीलिंग लेते थे। और कभी क्लास 12 की लेबोरेटरी में जाके नाइक्रोम का तार चबा लेते खाते थे। आज तो पूरा हवा खाने के लिए पहाड़ों पर आ गए। सही बात है, कभी खिड़कियों से हवा खाते थे, आज तो मज़ा ही आ रहा है भाई। बिल्कुल इसकी अलग चल रहे ठंडे, ये लौंडा सुस्त हो रहा है, इसके दुख दुख कर रही है थोड़ा थोड़ा। मज़ा आ रहा है। त्रिपाठी जी कह रहे थे शॉर्ट हेयर कट करा लिया, आर्मी वाले लग रहे हैं। लौंडा स्मार्ट लग रहा है। अरे सर इतनी तारीफ मत किया करो, हजम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, हो जाएगा आज मिला दो। अच्छी नहीं है ना शक्ल, गाय हजम हो जाएगी। ये साल शाम को आइसक्रीम खा के जुकाम कर लिया इन लोगों ने। केला खिलाया सुबह 5 बजे। कौन ज्यादा केला खाने को, अपना अपना जो केला खिलाया। तो एक्चुअली हम लोग इस टाइम यहाँ से आ रहे हैं, ये सामने जो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर मैं जीप में उतारा था, और ये पहाड़ आप देख सकते हो, और हमको वो जो ऊपर दूर चोटियाँ दिख रही हैं वहाँ तक जाना है। सो एज यू कैन सी वो दूर तक आपको यहाँ पर हो सकता है रिवर दिख रही हो। एक कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही, पर इन रियलिटी लोग मरते हैं ये सीनरी देखने के लिए। दूर दूर तक एक नदी निकल रही है पहाड़ों में से, और जो हम लोग कभी आर्ट क्लास में बनाया करते थे वो यहाँ पर रियल है। माय टू फ्रेंड्स मूविंग एंड दिस इज अमेजिंग। बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर, अननैचुरल इनक्रेडिबल फीलिंग। एंड थैंक यू गवर्नमेंट फॉर दिस पाथवे एंड ऑल द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग हियर। तो UK गवर्नमेंट को बहुत बड़ा थैंक्स, पूरे रास्ते में स्पीकर्स डिप्लॉय करना, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई मीन दे मेक द ट्रैवल फन एक्चुअली। जय माता दी, जय श्री राम। त्रिपाठी जी जय माता दी। जय माता दी। आयुष भाई जय माता दी। ओ भाई 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 भाई, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी, कार वहाँ, वो खड़ी गाड़ियाँ सारी भाई। चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब हो चुकी है, इतनी बार बैठते हुए आए हैं, इतनी स्लैंट चढ़ाई है। और ये यहाँ पर कुछ धर्मशालाएँ टाइप की बनी है जहाँ पर लोग रुक सकते हैं। थैंक गॉड हम यहाँ नहीं रुके, वरना रात में जम जाते हैं। जितना ऊपर आ रहे हैं उतना रुके जाओ माता रानी के दरबार। अंकल नहा के चले हैं, जय माता दी। आप बड़े आदमी हैं, नहा के चलते क्यों आज भाई? अरे वाह, क्या बोला, क्या बोला तू? रूम से नहाना नहीं चाहिए था? अबे यहाँ के नहाते बीमार पड़ जाएंगे। हाँ त्रिपाठी जी क्या हाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना आनंद आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आनंद आ रहा है, ठीक है भाई। इतना स्टेप काउंटर में देखो कितना किलोमीटर चल चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, वैसे नीचे से जहाँ से जीप वाले ने उतारा उसने बोला 6-7 किलोमीटर है, लेकिन 6-7 तो नहीं था कुछ। खैर इन्होंने कुछ शॉर्टकट्स दिलवाए, कुछ टेढ़े मेढ़े चढ़ान चढ़ाए, जो लगभग 85 डिग्री की 85 डिग्री का स्लैंड स्लोप था। वो भी हमें लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है ये। अरे भाई यार निशान हो ट्रैवल बैग लेके हालत देख रहे हो, आगे नहीं खुल रही है अब, सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है। और ये भाई आयुष भाई ऑलमोस्ट, आयुष ड्रेन हो चुके हो कि बचे हो? ऑलमोस्ट ड्रेन एंड एग्जॉस्टेड भाई साहब, यहाँ नेट भी चला भी है। और लगभग 10-11 किलोमीटर चल चुके हैं, 10.9-11 किलोमीटर हो गया है, पैदल यात्रा हो चुकी है। नेट चल रहा है
और जियो का इंटरनेट आ रहा है, एयरटेल का इंटरनेट नहीं आ रहा। काफ़ी मतलब बढ़िया जगह है, लेकिन रिकमेंड ये करेंगे कि यहाँ पर जब भी आओ यार सुबह दर्शन के लिए आओ यार, शाम को आके रुकोगे ना, शाम को आके रुकना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है धर्मशाला वगैरह तो है लेकिन ओपन है यार उतना, मतलब तुमको अगर होटल वगैरह में रुकने का आइडिया है ना यहाँ नहीं रुकोगे फिर, तो यहाँ पर सुबह आओ सुबह दर्शन होगा। वहाँ हम लोग टनकपुर में होटल में रुक गए थे और 22 किलोमीटर फिर यहाँ सुबह गाड़ी से आए 4 बजे, और मतलब सिस्टम अच्छा रहता है कि अगर आप टनकपुर में ही रुक जाए फिर यहाँ सुबह आए तो सुबह सुबह चढ़ाई मतलब चढ़ाई भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चलती, हालांकि हवा वगैरह बहुत चल रही थी, थोड़ा लोग दोस्त लोग कांपने लगे थे, अबे और सेल्फी मत लो, और ज़्यादा सेल्फी लेने लगे आजकल। और फिर त्रिपाठी जी कितना और बचा है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर की और चढ़ाई ऊपर बची है जो सीढ़ियों से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बोला था, 12-13 किलोमीटर हाँ, तो 2.5-3 किलोमीटर भी हुआ है, मतलब 12 किलोमीटर है हम लोग का हो जाएगा, 3 किलोमीटर लगभग और बचा है, 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर इतना हो जाएगा, अभी तक हम लोगों ने 10 किलोमीटर अप डाउन 24 है टोटल, इतना हम लोगों ने अभी तक बुक कर लिया है, और कल 23 चले थे यार सुबह सुबह में 24 है, कल पूरा टोटल 23 चले थे, सही बोल रहा, तो 2 दिन में 48 किलोमीटर चल चुके हैं, चल जाएंगे आराम से 48 किलोमीटर। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं ब्लॉग में बाद में, बाय। कहा तिवारी सनराइज हो गए बा, 8 बज गए बा, हो कब से चढ़ाई करल है नी हमी सब, रवा सब देख सका था नी, रवा सब देख सके नहीं, अब आज गिल बा जा, अब यही पाड़े जी हम नहीं जाई बोलम, देखा तो नहीं रवा पाड़े जी तिवारी जी दोनों ब्लॉग कर रहल बरे, हाय हाय नवाज साहब चल तरी बाहर कटे भैया के बैंड बज गए बा, आगे आगे चल तारे, ये है पूर्णागिरी की आखिरी चढ़ाई जारी बा, हमनी लोगों के 5:40 पर चढ़ाई शुरू करी कर रहे हैं, और अब लगभग 8 बजे तारे का तिवारी जी, हाँ भाई साहब स्टेमिना बचल बा कि खत्म हो गए साहब, अबे स्टेमिना बा हो ये सुबह का एकदम, अबे चुप कर जा, चाय नसीब नहीं हो रही तुम, अरे भाई उड़ीसा में क्या था ना भाई, वहाँ पर एक धौले गिरी है, खंड गिरी है, ठीक है भाई, मुश्किल से 5-6 मिनट लगते हैं चढ़ते, ठीक इन लोगों को यहाँ लेके आओ, से 5 बजे से चढ़ रहा है, 5 बजे से चढ़ रहे भाई, खत्म नहीं हो रहा, 2 घंटे हो गए चढ़ाई करते करते यार, इतने में तो हम कहीं हिमालय पर्वत चढ़ गए होते हैं भाई, तो भाई 2 घंटे से चढ़ रहा है कंटिन्यूस, 20 मिनट बीच में रुके थे बस, वो भी रुक रुक के 5-5 मिनट करके 20 मिनट रुके हैं, और इसमें भी बैठ बची हुई है, बैठो सुबह से सिर्फ चढ़ाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, चढ़ाई और भाई साहब यहाँ पर ना जितनी ये धर्मशालाएं बनी है ना ये ऐसे खींचते हैं ना इंसान को कि ले गए अब तो अंदर, हाँ भाई साहब ये चूज लेते भाई साहब मच्छरों की तरह, इनको बार बार बताना पड़ता है कि भाई नीचे से रुक के आ रहे हैं हम लोग, स्टे करके आए थे, कह रहे आओ बैठ लो भाई आओ बैठ लो, अरे नहीं बैठना है भाई, कह रहे भाई एक तो बोल रहा स्विमिंग पूल बना रखा है नहा लो अंदर पहाड़ में, क्या बोले बाबा, आयुष बाबा क्या हाल, आयुष इस समय चिलम मारे चल रहे हैं एकदम, आयुष भाई एकदम फ्रीज हो गया है, उसकी हालत खराब है इस समय, बस पैर चल रहे हैं, बहुत है यार बहुत चढ़ाई है यार, अभी भी बाकी है कम से कम 1 किलोमीटर होगा, लास्ट में मिलते हैं बिल्कुल, पसीने में शर्ट भाई पूरी, अब कुछ बचा नहीं है, सुबह का नया तो सब गया, बड़े से धुआं निकल बस सच्चाई बोल दी भाई, उसमें ऑपरेट हो रहा है भाई साहब, पसीना इवेपोरेट हो रहा भाई, धुआं छोड़ रहा है पांडे, वो पांडे काम करते करते खंभे में घुस गया, यू हैव टू सी दिस गाय नंबर 1 बोल दिया, अभी देखा इसको ये भी लड़ गया खंभे में धाड़ से, ये भी सब ऐसे ही देखिए चल रहे हैं, हम खंभे में लड़ रहे हैं, कभी खोपड़ा लड़ा रहा है, लड़ गया भी हो यार त्रिपाठी जी, कहाँ जाना है भाई साहब, बस अब जा रहे हैं हम लोग, वो वहाँ जाना है भाई अभी, और 2 घंटे से कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और अब भी उतनी दूर जाने में जान निकल जाएगी, हाँ जी भाई 200 मीटर और बचा है ना भाई,
बचाया भाई बहुत रियल स्ट्रगल करके आए हैं। 200 मीटर का स्ट्रगल और इतना हम लोग कवर करके आए हैं। अब जब हम लोग आगे पहुंच जाएंगे तब ये वाला गेट बैरियर खुलेगा। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, 2 घंटे चढ़ाई की, 2 घंटे यहाँ पर और चढ़ाई हो गई। पांडे का धुआं निकल चुका है। अरे यार सबकी भाई हालत है यार। नहीं मेरे अंदर तो स्टेमिना बहुत है भाई, पांडे का बिल्कुल धुआं निकला। हाँ तुमने फ्रूटी पी है, मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, ठीक है। फ्रूटी में भाई क्या होता है, तुम रास्ते में खाते पीते आए हो, हमने कुछ नहीं खाया है। क्या खाया है? बस फ्रूटी पी। और ये यहाँ पर थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी देखना चाहो अगर तो, ऐसे जाल लगे हुए हैं। नहीं तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, बस अब 200 मीटर और।